जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से आपका पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, मैं इस खेत को दिखा रहा हूँ, मेरा छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिसे मैंने दिखा रहा है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। इस पर मैंने सरसों का बुआई किया है और आप देख सकते हैं कि सरसों कितने बेहतरीन तरीका सूखा है। साथियों, इसमें मैंने न ओरिजिनल वेस्टली कंपोजर दिया है और न ही कोई जैविक उत्पाद और न ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर दिया है साथियों, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें जो बढ़वार हुआ है सरसों का कितने बेहतरीन तरीका से हुआ है। इसका पत्ते वत्ते और इसका तना, इस पर जो फूल आए हैं वे आप देख सकते हैं साथियों। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आप जैविक खेती करते हैं उसके लिए आपको ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए और आपके पास मवेशी नहीं है तो ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग के पास सीजन में कभी भेड़ चराने वाले गडेरिए लोग कभी अगर आते होंगे तो आप लोग के लिए ऑर्गेनिक कार्बन अपने खेत में बढ़ाने का एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। उन गडेरियों के पास बहुत सारे भेड़े होती है जिसको बैठाने के लिए ये हम लोग तरफ अपना खेत देते हैं हम लोग, और बदले में उनको खाने के लिए कुछ अनाज दे देते हैं। तो साथियों, इस खेत में मैंने एक दिन के लिए वो भेड़ को बैठाया था और इसमें देख सकते हैं उन लोग का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो भेड़ का लिंडी होता है, और उसी की सहायता से बिना केमिकल और बिना फर्टिलाइजर के देखिए किस तरह से पौधे अपना ग्रोथ कर रहे हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस खेत में मैंने पहले सरसों का बुआई किया था और उसका जर्मिनेशन जो था एक इंच तक पौधे ग्रोथ हुआ था, उसके बाद रुक गया था जबकि मैंने उस एक पानी दे दिया था। लेकिन मैंने भेड़ को बैठाने के बाद दोबारा से इस पर फिर से मैंने सरसों का बुआई किया था और परिणाम आप लोग के सामने हाजिर है। अब देखिए सरसों का कंडीशन कैसा है, आप लोग को नज़दीक से थोड़ा दिखा दे रहे हैं। देखिए ये होता है ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब। इसमें यदि आप इस तरह का मतलब एक बार अपने खेत में अगर भेड़ को अगर आप बैठा देते हैं और इसके बाद ओरिजिनल वेस्टली कंपोजर का अगर आप प्रयोग करते हैं साथियों, चाहे कोई भी आप जैविक फर्टिलाइजर इसमें देते हैं, तो समझ लीजिए आपका उत्पादन में किसी प्रकार का कमी नहीं रह जाएगा साथियों। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही उचित व्यवस्था है यदि आप लोग यहाँ इस तरह के गडेरिए लोग अपने मवेशी को चराने के लिए जाते होंगे तभी हो सकता है साथियों। हम लोग तरफ तो कुछ कुछ गडेरिए लोग आ जाते हैं जैसे बरसात के मौसम में आते हैं हम लोग के यहाँ, क्योंकि बरसात के सीज़न में लगभग लगभग सभी खेतों में फसलें लगा दी जाती है तो ढेर सारे भेड़ों को चराने के लिए उपयुक्त स्थान न होने की वजह से इधर पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं वे लोग। तो इधर आने के बाद हम लोग के लिए ये उपयुक्त माध्यम बन जाता है खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए साथियों। तो इस तरह की व्यवस्था अगर आप लोग के पास भी होगा तो आपको जैविक खेती करने के लिए इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में हमने मसूर का फसल भी लगाया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, मात्र एक पानी इसमें दिया है और देखिए किस तरह से मसूर भी अपना बढ़वा ले रहा है बिना फर्टिलाइजर के। तो समझ लीजिए कि इतना फर्टिलाइजर आपके खेत में अगर हो जाएगा तो वेस्ट डिकम्पोजर से समझिए आपको चमत्कार ही हो जाएगा साथ। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी पाने हेतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।